नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीतम ठाकुर। आज हम आपको बताएंगे एशिया के सबसे बड़ा सिनेमा हॉल के बारे में। जयपुर शहर में सिनेमा हॉल तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा है जो एशिया में भी अपनी छाप छोड़े हुए हैं। मल्टीप्लेक्स के दौर में भी जयपुर शहर की शान माने जाने वाले इस सिनेमा हॉल का नाम है राजमंदिर सिनेमा हॉल। राजमंदिर सिनेमा हॉल अपनी पुरातन वास्तुकला के लिए जाना जाता है और ये सिनेमा हॉल जयपुर का गौरव है। इसकी शानदार वास्तुकला के चलते इसे प्राइड ऑफ एशिया की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस हॉल में अब तक हजारों लोग पुरानी क्लासिक फिल्मों का मजा ले चुके हैं। बाहर से सिनेमा हॉल को देखने पर 9 सितारे चमकते दिखाई देते हैं, जो 9 रत्नों के प्रतीक है। अंदर की दीवारों पर भी एक घूमने वाली पैनल लगी हुई है, साथ ही दीवारों पर कलात्मक काम किया हुआ है। राजमंदिर में बैठक क्षमता 1300 लोगों की है, जिसकी वजह से यह एशिया का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल है। इसकी बैठक को 4 भागों में बांटा गया है, जिनके नाम भी बड़ी खूबसूरती से रखे गए हैं, पर्ल, रूबी, एमराल्ड और डायमंड। हॉल में लगे मखमल के पर्दे इसके शाही प्रभाव को दर्शाते हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसा रहा इसका इतिहास। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको बता दें कि एशिया के इस सबसे बड़ा सिनेमा हॉल का इतिहास भी शानदार रहा है। कई सफल फिल्मों ने इस प्रतिष्ठित हॉल में सिल्वर जुबली की है। राजमंदिर का उद्घाटन 1 जून 1976 को श्री हरिदेव जोशी ने किया था, जो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। यहां प्रदर्शित पहली फिल्म चरस थी, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी मुख्य भूमिका निभाए थे। राजमंदिर की नींव 1966 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने रखी थी। इस शाही हॉल को बनाने में पूरे 10 साल का समय लगा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।